खबरों में रुख करेंगे फरुखाबाद की ओर। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी ने गुरुवार को संजय सोमवंशी प्रदेश महासचिव के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान कहा, 26 फरवरी को होने जा रही किसान महापंचायत, सभी किसान भाई लोग अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन जो सौंपना है केवल सरकार को ही सौंपेंगे, जिसमें गंगा जी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है जिसके कारण किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसानों को भारी क्षति होती है, जिसके निस्तारण के लिए सुंदरपुर कटरी से ढाई घाट पुल तक गंगा जी के दोनों तरफ बांध बनाया जाए और जनपद में टूटी पड़ी समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, देवरामपुर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाया जाए, गंगा एक्सप्रेसवे तथा लखनऊ एक्सप्रेसवे दोनों को फरुखाबाद से लिंक रोड द्वारा जोड़ा जाए और मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर जनपद फरुखाबाद को हवाई अड्डे में परिवर्तित किया जाए। फरुखाबाद जनपद आलू के मामले में एशिया में प्रथम स्थान पर आता है, जिसमें आलू संबंधित चिप्स इत्यादि की फैक्ट्री लगाई जाए ताकि आलू की खपत हो सके, जिससे किसान को अच्छा रेट मिल सके और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को फरुखाबाद से होते हुए निकाला जाए और किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हैं उनका संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए, किसानों की जमीनों पर अनाधिकार कब्जा मुक्त कराने हेतु जमीन पर ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष बबलू दीक्षित, संजय सोमवंशी प्रदेश महासचिव, आशीष यादव, अनुराग अग्रवाल प्रदेश महासचिव और मजदूर प्रकोष्ठ, अन्य सभी किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है 26/2/2024 को एक बड़ी महाकिसान महापंचायत होने जा रही है, जो कि जनपद फरुखाबाद की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। इस किसान महापंचायत में शासन स्तरीय जो जनपद के मुद्दे हैं उनको रखा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा पार में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ से बचाव हेतु कोई भी साधन अभी तक ना तो जनप्रतिनिधियों ने कुछ सुना है ना ही किसी सरकार ने ध्यान दिया है, तो उसको लेकर लगातार हमारी एक मांग थी कि दोनों तरफ बांध बनाया जाए, गंगा पार उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ सुंदरपुर से लेकर ढाई घाट तक बांध बने और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो फरुखाबाद को अछूता करता हुआ निकल गया है तो उसको जो है नए ड्राफ्ट में शामिल किया जाए और फरुखाबाद से ही होकर वो निकले। चिप्स इत्यादि की फैक्ट्री लगवाई जाए क्योंकि एशिया में फरुखाबाद प्रथम स्थान पर आता है आलू के मामले में, लेकिन उसको लेकर कोई भी फैक्ट्री इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में परिवर्तित किया जाए, इस तरीके के शासन स्तर के मुद्दे हैं।